दोस्तों आज का ये दौर इंटरनेट का दौर है, जहां हर रोज कई सारी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है। आप सबने भी इंटरनेट पर बहुत सी अजीबोगरीब वीडियोस जरूर देखी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए कुछ ऐसे रेयर वीडियो फुटेज दिखाने वाले हैं, जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे घंटी वाले निशान पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों कहते हैं कि अच्छा खाना और अच्छी मुस्कान किसी का भी दिल जीत सकती है, और अच्छे खाने की तलाश में तो कई लोग सात समंदर पार भी चले जाते हैं। वैसे आप सबने भी बहुत से रेस्टोरेंट में खाना खाया ही होगा, खासकर अगर आप समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपने बीच होटल्स तो जरूर देखे होंगे। वैसे दिखने में ये काफी कूल लगते हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी बना रहता है, क्योंकि समुद्री लहरें कभी कभी इनका बुरा हाल कर देती हैं। ये वीडियो एक बीच रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद यहाँ के वेटर्स सफाई में लगे हुए थे। ये सारे लोग अपने काम में पूरी तरह से मगन थे, पर तभी अचानक से तेज समुद्री लहरें उठी और सीधा इस रेस्टोरेंट की तरफ चली गईं। यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स ने डोर्स और विंडोज बंद करके पानी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो कहते हैं ना, पानी का रास्ता रोक पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। और फिर देखते ही देखते समुद्र का सारा पानी होटल के अंदर घुस गया और वहाँ मौजूद हर एक चीज का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों हम सब रोज प्लेन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि जमीन से काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं, पर क्या कभी आपने किसी प्लेन को बिल्डिंग के बराबर उड़ते हुए देखा है? जी हाँ, ये घटना अक्टूबर 2018 की है, जहां ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में कुछ अजीब सा देखने को मिला। हुआ यूं कि अचानक एक मिलिट्री फाइटर प्लेन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ना शुरू हो गया। ये प्लेन इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था कि जो लोग बिल्डिंग के अपर फ्लोर में रहते हैं उन्हें ये प्लेन नीचे आता हुआ लग रहा था। इसे देखकर पूरे शहर के लोग बुरी तरह से डर गए। लोगों को लगा कि शायद शहर पर किसी ने हमला कर दिया है, और उन्होंने पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। ये प्लेन लगभग आधे घंटे तक पूरे शहर की बिल्डिंग्स के बीच में घूमता रहा, जो कि जमीन से करीब सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर था। लोगों ने इस डरावने दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, और फिर पता चला कि ये असल में ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का C-17A जेट था, जिसे क्वींसलैंड में होने वाले रिवर फायर फेस्टिवल के लिए बुलवाया गया था, और ये प्लेन फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए कुछ दिन पहले ही शहर में आकर प्रैक्टिस कर रहा था। खैर जो भी हो, पर पहली बार में इसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि कोई युद्ध शुरू होने वाला है। ये नजारा सच में बेहद डरावना था। दोस्तों आप सबने कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि लोग पुरानी और कई अनोखी चीजें इकट्ठा करते हैं और ऐसी स्पेशल शॉप बनाते हैं जिनमें इन सभी चीजों को बेचा जाता है। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें दिख रहा ये साउथ अफ्रीकन शख्स अपनी 35 साल की मेहनत से जमा की गई एंटीक कप्स की कलेक्शन दिखा रहा था। असल में इनकी शॉप की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बन रही थी, और ये चचा प्राउडली अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बारे में बता रहे थे। इन्होंने अभी अपने एंटीक कप्स का इंट्रोडक्शन देना शुरू ही किया था कि तभी माइक पकड़ने वाले शख्स से थोड़ी मिस्टेक हो गई, और उसका वो माइक हैंडल समेत ऊपर चल रहे पंखे में फंस गया। फिर इस माइक के हैंडल ने शॉप में मौजूद आधे कप्स का सत्यानाश कर दिया। पर जब उस शख्स ने माइक के हैंडल को पकड़कर पंखा रोकने की कोशिश की, तो जबरदस्ती करने की वजह से पूरा पंखा ही माइक समेत धड़ाम से नीचे गिर गया, और बाकी बचे हुए कप्स का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड्स में इन बेचारे चिचा की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। कलेक्शन रिप्रेजेंट्स 35 इयर्स ऑफ माय लाइफ। बी केयरफुल, आवर जर्नी बिगिंस विद दिस मग। डेविड द माइक्रोफोन। वो अब तेरा क्या होगा कालिया। दोस्तों अगर आप कभी किसी जू में गए हों, तो आपने वहाँ पर चीता जरूर देखा होगा। चीता को दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक जानवरों में शामिल किया जाता है, और अगर ये किसी जानवर पर हमला कर दे तो इनसे बच पाना इम्पॉसिबल है। पर जरा सोचिए, अगर आप कहीं वाइल्ड सफारी में घूम रहे हों और अचानक एक चीता आपकी गाड़ी में घुस आए तो क्या होगा?
और अभी आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक सफारी कार में लगे कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स जो कि तंजानिया के एक सफारी पार्क में जीप लेकर गया था, वो यहाँ घूम रहा था कि तभी अचानक जीप में एक चीता आ गया। इस शख्स को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने हरकत की तो ये चीता उस पर हमला कर देगा, इसीलिए वो एकदम शांत होकर बिना हरकत किए बैठा रहा। वो चीता करीब 10 मिनट तक जीप के अंदर रहा और फिर पिछली सीट पर पड़ी खाने की चीज को उठाकर वहां से चलता बना। इस भाई की किस्मत अच्छी थी कि चीते ने इस पर हमला नहीं किया, लेकिन ये दृश्य वाकई में बेहद चौंकाने वाला था। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था तब ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे दुनिया की सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और इसकी वजह से लोग कहीं भी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लॉकडाउन के दौरान जब इन सभी प्लेन्स को बंद कर दिया गया था तब आखिर इन सभी प्लेन्स को कहां पार्क किया गया था? चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दुनिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। इस महामारी के दौरान प्लेन्स को ज्यादातर रनवे पर ही क्रम से पार्किंग में लगा दिया गया था और इन प्लेन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई छोटे एयरपोर्ट्स पर तो कच्ची जगहों पर ही जहाजों को खड़ा कर दिया गया था। इस समय सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी और जहाज बिल्कुल बेकार हो गए थे और उस वक्त इन्हें खड़ा करना भी चुनौती बन गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी की वजह से एयरलाइंस को $113 बिलियन का नुकसान हुआ था। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मोटो रेस जरूर देखी होगी। इसमें बाइकर्स मोटरसाइकिल को बहुत ही तेज रफ्तार से चलाते हैं और जब ये लोग बाइक को टर्न करते हैं तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बस अब ये गिरने ही वाला है। अब क्योंकि इस रेस में बाइक बहुत फास्ट चल रही होती है इसीलिए इनका एक्सीडेंट होना भी बहुत नॉर्मल सी बात है। पर अभी जो मोटो रेस आप देखने वाले हैं यहाँ पर बाइकर्स के साथ कुछ बहुत ही अजीब हादसा हुआ। इस रेस में एक बाइकर जो कि सबसे आगे था पर तभी जब वो एक मोड़ पर अपनी बाइक को टर्न कर रहा था तो इस बेचारे का बैलेंस बिगड़ गया और तेज रफ्तार में चल रही ये बाइक बेकाबू हो गई। पर मजे की बात तो ये है कि बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उस बाइक का ड्राइवर मोटरसाइकिल के साथ ही लटक गया और लटके हुए ही काफी देर तक बाइक चलाता रहा। ये मोमेंट इतना रेयर था कि ऑडियंस इसे देखकर हैरान रह गई। इस बाइकर ने इसी तरह लटके हुए इस रेस को पूरा किया पर दुर्भाग्यवश इस एक्सीडेंट की वजह से ये रेस तो नहीं जीत पाया लेकिन ये नजारा सच में देखने लायक था। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों को कार चलाना तो आता ही होगा और अगर आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर गए हों तो आपको पता ही होगा कि गाड़ी चलाने का सबसे ज्यादा मजा तो तभी आता है जब सड़क के दोनों किनारों पर हरे भरे पेड़ लगे हों जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक नजारा देखने को मिला। ये वीडियो एक कार में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। यहाँ जब एक शख्स अपनी फैमिली के साथ जंगल में बने इस रोड पर ड्राइव करते हुए जा रहा था तभी अचानक रोड के किनारे मौजूद बड़े बड़े पेड़ अपने आप टूटकर सड़क पर गिरने शुरू हो गए। असल में कुछ ही देर पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और तेज तूफान भी चल रहा था जिसकी वजह से ये सभी पेड़ एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, जिसे देखकर कार में बैठे लोगों की हालत खराब हो गई और उन्होंने तुरंत ही कार को पीछे करना शुरू कर दिया। इस फैमिली की किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। दोस्तों ये सीन इतना ज्यादा डरावना था कि इसे देखकर लोगों की सांसें ही अटक जाती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारा चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी देखते रहिए।